हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज है आज थर्सडे है और सुबह हो गई है. हम लोग की पूजा हो गई है. टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है अभी, और हम लोगों ने पूजा कर ली है. चाय अभी हमने नहीं पी है. चाय मैं बनाऊंगी. मेरे बाल भी आज, जैसे कि मैंने बोला था कल कि मुझे हेयर वॉश करना था, मैं हेयर वॉश भी नहीं कर पाई थी कल. आई थिंक परसों के ब्लॉग में बोला था मैंने, जो कल गया है तो उसमें मैंने बोला है कि मैं हेयर वॉश भी नहीं कर पाई हूँ. तो देखिए, आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है और अब बहुत अच्छा लग रहा है. हेयर वॉश करके लगता है कि हम नहा लिए हैं सच में. तो अब पूजा हमारी दोनों की हो चुकी है और आज हस्बैंड घर पे ही हैं. और आज थर्सडे, आप सोच रहे होंगे आज हस्बैंड घर पे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे आज इलेक्शन है, मतलब वोटिंग है आज यहाँ पे शिलोंग में. तो जब वोटिंग है तो फिर आज छुट्टी है, तो आज छुट्टी है तो हम घर पे हैं. और छुट्टी है आज, सब चीज़ों की छुट्टी है, तो फिर आज हम कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि सभी कुछ बंद होगा. जब आज वोटिंग है तो मार्केट भी शायद नहीं होगा ओपन. तो अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि पूजा हो गई है तो चाय तो बनती है. तो मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ फुर्सत से. मैं चाय वाय बना लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. और अभी हो रही है दोपहर. दोपहर में मैं बना रही हूँ नाश्ता. नाश्ते में मैं बना रही हूँ यमी यमी टिक्कियाँ. ये मैंने ऐसे बनाई हैं. अगर आप रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी. ऐसे तो नहीं बताऊँगी, किसी बहाने आप मुझे कमेंट करेंगे. शोक सा पार्ट. बट हाँ, अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे कि इसकी रेसिपी हमें बताइए. वैसे बहुत सिंपल और इजी है और यम्मी भी लगती है बहुत ज़्यादा. तो ये मैं अभी दोपहर के लंच में बना रही हूँ. हस्बैंड घर पे हैं, दैट्स वाई. और बस होने वाला है ख़त्म और फिर मैं लेके जाऊँगी. फिर मैं इन्जॉय करूँगी यम्मी यम्मी पकौड़ी टिक्किया, सॉरी. तो बस डन होने वाला है, लास्ट है ये मेरा. इसके बाद मैं ले जाऊँगी. मैं एक्चुअली में ना, मैं ये शायद गरम गरम आलू मैंने ना मैश कर दिए थे, इसलिए ये थोड़ा निकल रहा है. इसका जो कोटिंग है ना वो रुक नहीं पा रहा है आलू पे, दैट्स वाई. बस वैसे मेरा डन हो गया है, मैं ले जाती हूँ फिर मैं भी खाऊँगी. तो थोड़ी देर में मिलती हूँ. तो ये हमारी यमी यमी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं और मैं लेके जा रही हूँ और मैं भी अब इंजॉय करूँगी यमी यमी टिक्कियाँ. मैं खा लेती हूँ, देन आपको तब मिलती हूँ. ओके ना. यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ समाघी चावल की खिचड़ी. तो आगे आगे आप देखते रहिए मैं कैसे समाघी चावल की खिचड़ी बनाती हूँ.
मैंने अभी व्रत वाली खिचड़ी बनाई है सवा के चावल की, तो और उसके बाद मैंने थोड़े से यूटेंसिल पड़े थे उसको क्लीन कर दिया है, और बस अब हम खाएंगे इसको दही और चटनी के साथ, ग्रीन ग्रीन मतलब हरे धनिए की चटनी के साथ हम इसको खाएंगे। बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और ये मतलब आप पे डिपेंड करता है आप इसमें उसको कितना लिक्विड फॉर्म में खाना चाहते हैं। आप चाहें तो कम पानी लगा लें और आप चाहें तो ज़्यादा पानी लगा लें, मतलब इट्स टोटली अप टू यू। मतलब जैसे आपका टेस्ट हो वैसे आप खाइए। हम इसको दोनों तरीके से बना लेते हैं, कम पानी लगा के भी ज़्यादा पानी लगा के भी। तो आज हमें थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में खाना था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी लगाया है। एक्चुअल में मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं इसको लिक्विड फॉर्म में खाना, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी लगाया है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना उसमें पानी चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको। बस अब उसको मैं 3 विसल दूंगी, मेरी डन हो जाएगी खिचड़ी व्रत वाली। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लगती है, देन उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ।